अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी और सभी कार्यकर्ताओं को कहा था कि सुबह 10 बजे आप आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर पहुंचें। तो आम आदमी पार्टी मुख्यालय है दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, ITO से मान के चलिए 400, 500, 600 मीटर की दूरी पर ही है। तो यहाँ मैं ITO पे खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए ये मेन ITO चौराहा है, दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से ये चौराहा ये माना जाता है। तो इस चौराहे से ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और बैरिकेडिंग ऐसी कि वाहन तो जा ही नहीं सकते, पैदल भी कोई व्यक्ति केवल तभी जा सकता है जब वो ये बताए या दिखाए या साबित करे कि अंदर वो उसको किसी दफ्तर में जाना है, क्योंकि यहाँ पे दफ्तर भी हैं तो अपना ID कार्ड दिखा के तो ज़रूर जा सकता है। लेकिन अगर आप ये बताएंगे कि आप आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर जाना है, तो आपको यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर तैनाती की हुई है, ID कार्ड वगैरह देखा जा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी दफ्तर पर ही आम आदमी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको आज पहुंचने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब प्रोटेस्ट की ही इजाज़त नहीं है। ये देखिए जैसे ये जा रही हैं तो इनसे ID कार्ड दिखाने के लिए कहा गया है कि आप ID कार्ड दिखाइए। आप कॉलेज स्टूडेंट होंगी आप? हाँ, कॉलेज में आएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये ID कार्ड दिखा रही हैं ये लड़कियाँ, ये कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से केवल जो दफ्तर में काम करते हैं, स्कूल कॉलेज में किसी को जाना है तो वो तो अपना ID कार्ड दिखा के जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि अगर आम आदमी पार्टी दफ्तर पर पहुँचेंगे ही नहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तो फिर ये जो धरना प्रदर्शन है ये होगा कैसे? जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह हैं ये आने तो शुरू हो गए हैं। कितने बजे से आए हुए हैं जी आप? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं संगम विहार से पार्षद हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का। कितने बजे से आए हुए हैं? मैं 9 बजे से आया हूँ। तो आगे तो जाने नहीं दे रहे हैं? जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम। अच्छा, आपको उम्मीद है कि जाने देंगे आपको, क्योंकि अभी तो रोका हुआ है यहाँ पर। हमारा काम है जाना, उनका काम है लाठी चलाना, वो अपना काम करें हम अपना काम करेंगे, चाहे लाठी चलाएं कितना भी मारें हम जाएंगे। लेकिन अभी बड़ी संख्या में अभी कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए आप लोग? बड़ी संख्या में उधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, अलग अलग हम खड़े हुए हैं, क्योंकि रोड जाम ना हो जाए पब्लिक की वजह से हम अलग अलग खड़े हुए हैं और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और इतनी संख्या होगी कि रोक नहीं पाएंगे हमें। हम अपने नेता केजरीवाल जी के लिए यहाँ पर खड़े हैं और चाहे 1 महीना 1 साल हमें प्रदर्शन करें, हम लगातार इनसे लड़ाई लड़ेंगे, दबेंगे नहीं, अपना नेता के लिए आवाज़ उठाएंगे और दिल्ली की आवाज़ बुलंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आपका क्या नाम है जी? राहुल गौड़। आप भी 9 बजे आए हुए हैं जी? तो ये जैसे कि ये बोल रहे हैं अभी तो पूरी इन्होंने वो कर रखी है और यहाँ पर पैरामिलिट्री भी लगी हुई है, RAF लगी हुई है, तो ये प्रदर्शन होगा कैसे आप लोगों का? आप देखते रहिए, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और अपने हमारे माननीय नेता के लिए तो हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। ये बैरिकेड तो कहीं दीवारें खड़ी कर दें वो भी तोड़ देंगे। तोड़ फोड़ होगी तो फिर बड़ी समस्या होगी, तोड़ फोड़ तो मत कीजिए भाई, आप वैसे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। ये एक जुमला है, तोड़ फोड़ वैसे नहीं है, हम नरम दल के हैं, गरम दल के नहीं है। गरम दल के तो BJP वाले हैं, तानाशाही मचा रखी है, कांग्रेस की सरकार भी आई थी 350 प्लस लेके बैठी थी, 1 साल के अंदर तख्ता पलट गया था, जनता को सब कुछ पता चल चुका है यहाँ पर। और आज आप देखेंगे ये पुलिस वाले हमारे घर पे हमारे फादर्स को हमारे परिवार को डिटेन करके बैठे हुए हैं, प्रदर्शन हर गली के अंदर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे आप देख लीजिए, जनता BJP को इस इलेक्शन में और आने वाले हर इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। आप लोगों का मनोबल किस तरह का है, क्योंकि एक के बाद एक नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, सबसे पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, फिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए और अब तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, तो मनोबल किस तरह का आप लोगों का? सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, हमें इनकी ताकत देखनी है, BJP वालों की ताकत देखनी है, हम अपने नेता के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे और नेताजी को छुटा के छोड़ेंगे। ठीक है जी। क्यों जी, मैं कह रहा हूँ मनोबल किस तरह का है कि आपके सबसे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, लाइन लगी हुई है गिरफ्तारियों की? आंदोलन से निकली पार्टी का गिरफ्तारी और डंडे से थोड़ी डरते हैं, अरविंद पार्टी का तो संघर्ष और आंदोलन से निकले लोग हैं, पहले भी डंडे लाठी खाए थे अब भी खाएंगे, लेकिन BJP के सामने ना दबेंगे ना झुकेंगे, अगर दबना होता तो उनके साथ चले जाते। अब हमारी पार्टी
इसके बाद जो उन्होंने गलती करी अरविंद जी केजरीवाल को गिरफ्तार करके, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, बीजेपी को पीछे छोड़ देगी, लोगों में गुस्सा है बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। तो ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन ये भी है कि अगर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं तो फिर ये असेसमेंट करना होगा कि क्या पुलिस इनको आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहाँ तक जाने की इजाज़त देगी या नहीं। आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं जी? जी बिल्कुल आए हैं, लेकिन इतने मोदी जी डरे हुए हैं कि पत्रकार को भी आप पार्टी के ऑफिस तक नहीं जाने दिया जा रहा। मतलब पत्रकार तो जा रहे हैं, आप लोगों को रोक रहे हैं? बिल्कुल रोके हुए हैं यहाँ सब। देखो तो इससे ज़्यादा हिटलरशिप क्या होगी, ये हिटलर शाही के सिवा और कुछ नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि बस एन कैन मेरा ही राज चला रहे, आम पब्लिक जनता जितनी भी है उनको दबाया जाए, जितना दबाएंगे उतना हम ऊपर आएंगे। ये उनकी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है उनकी कि हिटलर शाही से शायद हम शासन चला लेंगे। ठीक है, शुक्रिया जी। तो अब ये देखना होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी अपना जो धरना प्रदर्शन है, क्या यहीं पर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन अपना कर देगी, या फिर अगर संख्या ज़्यादा होती है तो क्या पुलिस इजाज़त देगी आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आगे उनके दफ्तर तक जाकर प्रोटेस्ट करने की। ITO चौराहे से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, NET मीडिया।